छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को 3 तारीख का इंतजार है, कमल खिलेगा और किसानों के खुशहाली के लिए बीजेपी काम करेगी। बता दें कि आज अरुण साहब का जन्मदिवस है और उन्होंने रतनपुर के माँ महामाया देवी और भैरव बाबा मंदिर में माथा टेका है। अरुण साहब ने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। किसानों को प्रतीक्षा है कि 3 तारीख को कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए जो योजना बनाई है उस योजना का उन्हें लाभ मिले, इसलिए किसान प्रतीक्षा कर रहे हैं कमल खिलने का। और निश्चित रूप से किसानों की प्रतीक्षा 3 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की की शुरुआत 3 दिसंबर से होने वाली है। 3 दिसंबर प्रदेश के लोग एक बार फिर से दीपावली मनाएंगे, क्योंकि 18 लाख गरीब परिवारों के प्रधानमंत्री आवास बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों के 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को हम देने वाले हैं, जिसकी वादा खिलाफी भूपेश बघेल ने की। माताओं बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए 1,000 रुपये प्रति महीना माताओं और बहनों को मिलने लगेगा। पीएससी घोटाला करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, उसकी जांच की शुरुआत हो जाएगी और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर 3 दिसंबर से बढ़ेगा। दिसंबर का महीना छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के नाम होगा।